न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। खबर है मध्य प्रदेश की खरगोन से, फिर विवादों में आया जिला अस्पताल। खरगोन में बीते दिनों एक 14 वर्षीय युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद वह जिला अस्पताल पहुंचा तो वहां उसे लगने वाला रैबिज इंजेक्शन ही मौजूद नहीं। ऐसे में पीड़ित अपनी परेशानी को लेकर खरगोन विधायक रवि जोशी के पास पहुंचा, जिसके बाद आज विधायक रवि जोशी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के अधिकारियों को और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल में मरीजों को आ रही समस्याओं को लेकर चेतावनी दी। देखिए ये वीडियो किस तरीके से रवि जोशी ने अधिकारियों को फटकारा है। मैं कल से बात करूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। जनता को तकलीफ होगी, जनता को तुम बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हो, बाहर की जांचें लिख रहे हो, घर से लोग फिर सीख आ रहे हैं, घर से कंबल लेके आ रहे हैं, ये क्या है? लोग पीने का पानी तक घर से लेके आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय किस काम के लिए बाहर से लगाए? जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की अगर ऐसी व्यवस्था है तो निश्चित ही हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। वहीं खबर खरगोन जिले की कसरावत से है, जहां ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कसरावत तहसील के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रेगवा में 16 नवंबर की शाम को कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली एक 19 वर्षीय छात्रा को उसके पड़ोसी व स्कूल शिक्षक ने मोबाइल फोन पर अश्लील मैसेज भेजा था, जिसको लेकर छात्रा ने अपने परिजनों के साथ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उक्त मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए धारा 354 और 509 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। टीआई वरुण तिवारी ने बताया कि हमारी टीम ने आरोपी शिक्षक के 2 दिन लगातार खोजबीन की मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की सुबह आरोपी को उसके धामनोद निवासी रिश्तेदार के घर से पकड़ा, जिसे न्यायालय प्रस्तुत हेतु रवाना कर दिया है। कसरावत से अबरार पठान की रिपोर्ट।